अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ग़ुलाम मुश्तबा सागर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी एच ए कराची फेज़ 8 में और ये सेक्टर सी है जहाँ पे मस्जिद दो इमाम बारगा हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर बन रही है। और ये हज़रत अबू तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके वालिद मोहतरम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और जब आपने इस दीन इस्लाम की दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सपोर्टर भी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल कहा कि ये जो साल है वो गम का साल है। और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाते थे तो उस वक्त तक आपके चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के किसी फ़र्द को भी उस वक्त तक खाना नहीं देते थे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उन्हीं की नाम से ये मस्जिद इमाम बारगाह है। दुआ है कि अल्लाह ताला के दर्जात को बुलंद फरमाए और इस्लाम का बोलबाला हो, पूरी कायनात में इस्लाम का परचम लहराए। ये इस वक्त जहाँ पे मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ ये टीपू सुल्तान का रोड है। सामने क्रीक विस्टा की जो बिल्डिंग है उसको भी आप देख सकते हैं और ये तकरीबन इसके गुंबद का जो काम है शटरिंग का तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और भराई वगैरह भी इसकी होगी। और राइट साइड पे जो इमार टावर है और डीएचए कराची डेवलपमेंट डायरेक्टरेट फेज़ 8 मेन डीएचए की बिल्डिंग भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जो सामने वाला रोड है वो अब्दुस्तार ईदी एवेन्यू है।